स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। इस वीडियो में कौटिल्या जीएस का बिहार पुलिस स्पेशल प्रैक्टिस शीट हम लोग देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस शीट जो है 26, 27, 28 जुलाई 2024 को हाल ही में करवाया गया है और यह न्यू सिलेबस पर आधारित इसमें क्वेश्चन सेट किए गए हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 1100 देखने को मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन दिया गया है, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो या फिर साइंस से संबंधित करेंट अफेयर्स या फिर बिहार पुलिस स्पेशल। तो मैं इसे कम्प्लीट डिस्कशन के साथ करवाने वाली हूँ। जितना भी सर के द्वारा बताया गया है उसे मैं बताते चलूँगी, आप लोग बस ध्यान से सुना करिएगा। सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 170 दिए गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री से संबंधित। तो क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके आप लोग लास्ट में बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेगा और इसे हो सके तो शेयर भी किया करेगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्या जीएस का बिहार पुलिस स्पेशल प्रैक्टिस शीट हम लोग देखने वाले हैं। यह एक्सप्रेस जो है 26, 27, 28 जुलाई 2024 को ही करवाया गया था। इसमें टोटल क्वेश्चन 1100 देखने को मिलेंगे और हर सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन को देख लेंगे डिस्कशन के साथ। जितना भी सर के द्वारा बताया गया उसे मैं बताते चलूँगी और हाँ, इसे कम समय में मैं इसे कम्प्लीट करवाने वाली हूँ। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुना करिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगर उत्तर मानसा अंतरिम का पता किसने लगाया? उत्तर मानसा अंतरिम का पता किसने लगाया? उत्तर मानसा अंतरिम है कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे है और सबसे पहले इसका पता लगाया था बार्थोलोमियो डियाज ने। बार्थोलोमियो डियाज ने कब पता लगाया था? तो 1487 ईस्वी में इसने पता लगाया। हालांकि 1947 में इसका नाम चेंज करके केप ऑफ गुड होप कर दिया गया, आशा अंतरिम द्वीप कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कोलंबस। कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली में। हालांकि यह नागरिक कहाँ का था? तो स्पेन का था और कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका और वेस्ट इंडीज की खोज की थी। अमेरिका और वेस्ट इंडीज की खोज किसने की? कोलंबस ने। नेक्स्ट है जेम्स कुक। जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की। वही कैब्राल ने किसकी खोज की थी? तो ब्राज़ील की खोज की थी। और मैगलन यह नौ से पूरे विश्व का भ्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। इसे भी ध्यान रखिएगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो सबसे पहले 1498 में। दूसरी बार कब आया था? तो 1502 ईस्वी में आया था। और तीसरी बार 1524 ईस्वी में आया था। और वास्को डिगामा की मृत्यु हो गई थी 1524 ईस्वी में। और इसे दफनाया गया था कहाँ? गोवा में। कहाँ दफनाया गया है? तो गोवा में। सारा का सारा निकल गया, बाकी सब पता ही है। जमहूरी ने इसका स्वागत किया था, केरल के कालीकट में यह पहुँचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। धर्म युद्ध हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, धर्म युद्ध जो है टोटल 8 बार हुआ है। कितने बार? 8 बार। और यह युद्ध हुआ है ईसाई और तुर्कों में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईसाई और तुर्कों में। बाकी याद रखना जरूरी नहीं है 8 बार कब कब हुआ है। ऐसा तो सर के द्वारा बताया गया है 1096 से लेकर के 1099 तक पहली बार हुआ था। दूसरी बार हुआ था 1147 से लेकर के 1149 तक। तीसरी बार 1189 से लेकर के 1197। हालांकि यह क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा। धर्मयुद्ध कितने बार हुआ था? तो 8 बार हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? ईसाई और तुर्कों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी जो है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण यह बना था। और यह घटना घटी थी 1773 ईस्वी में 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी थी। इसका नायक कौन था? पता होगा नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स था। स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला था? तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चला था 1775 से लेकर के 1783 तक चला था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और यह समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के तहत। और पेरिस की संधि कब हुई है? तो 1783 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और नेता कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन था।
ठीक है, कॉर्नवालिस फिर भारत भी आया था और भारत का यह गवर्नर भी बना था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना था और इसका कार्यकाल है 1786 से लेकर के 1793 और इसी के समय में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था, इसलिए अस्थाई बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड विलेजली ने क्या लाया था, तो सहायक संधि लाया था। सहायक संधि प्रणाली 1798 में लॉर्ड विलेजली नहीं लाया था, सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद ने, हैदराबाद के निजाम ने, और उसके बाद मैसूर, मैसूर के बाद तंजौर, तंजौर के बाद 1801 में अवध ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय में तो जानते ही हैं 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति विभागीय प्रणाली 1859 में आया था, इसी के समय 1858 का अधिनियम आया था और फिर पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया था 1861 के अधिनियम के तहत। 1861 के अधिनियम के तहत ही 1861 के अधिनियम के तहत ही 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में तो बहुत सारे कार्य हुए थे, जैसे कि डाक विभाग, रेलवे प्रणाली, यह सब लॉर्ड डलहौजी के समय में ही, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। और क्या हुआ था, बुड डिस्पैच आया था, कब आया था, तो 1854 में, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया बताएंगे। देखिए, विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी फ्रांस में। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई, फ्रांस में। हालांकि विश्व का प्रथम संविधान तैयार हुआ था ब्रिटिश का, ब्रिटिश का, याद रखिएगा, विश्व का प्रथम संविधान ब्रिटिश का संविधान है, जो कि अलिखित है या लिखा गया नहीं है, मौखिक रूप से है, अलिखित संविधान है। और एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो यह हो जाएगा ब्रिटिश का ही, ब्रिटिश का ही। अगर यहीं पे क्वेश्चन रहेगा कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और यहीं पे एक क्वेश्चन रहेगा कि विश्व का पहला, विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ पे कर लीजिए, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो अपना भारत का है। क्लियर। सारा का सारा क्वेश्चन निकल गया, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। वही सबसे छोटा अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो मोनाको का है। किसका है, मोनाको का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 6 नंबर। किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई चौदहवा। मैं ही राज हूँ यह कहा था लुई चौदहवा ने, जो कि फ्रांस का सम्राट था। लुई चौदहवा ने क्या कहा था, मेरे द्वारा कहा गया कथन ही कानून है, मेरे द्वारा कहा गया कथन ही कानून है, यह किसने कहा था, लुई चौदहवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, राइट आंसर मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेस्क्यू। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मॉन्टेस्क्यू, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के रूप में। वोल्टेयर ने कहा था, क्या कहा था, तो 100 चूहों से बेहतर है एक शेर का शासन, 100 चूहों से बेहतर है एक शेर का शासन, किसने कहा था, तो वोल्टेयर ने कहा था। रूसो ने लोकप्रियता संप्रभुता का सिद्धांत लिया था, लोकप्रियता संप्रभुता का सिद्धांत रूसो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो राइट आंसर हो जाएगा जनमत का, जनता की इच्छा का, ऑप्शन नंबर डी। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लेखक थे, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लेखक कौन थे, तो रूसे, रूसो। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लेखक कौन थे, तो रूसो, रूसो ने ही कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सामाजिक जंजीरों में बंध जाता है। रूसो का ही यह कथन था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सामाजिक जंजीरों में बंध जाता है। और इसने एक नारा दिया था, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, और वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वोल्टेयर का ही पुस्तक का नाम याद रखिएगा, लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश पुस्तक किसकी है, तो वोल्टेयर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में, 1789 में हुआ था। अमेरिकी क्रांति तो हमने पहले ही बता चुका, 1775 से लेकर के 1783 तक। गौरवपूर्ण क्रांति यह हुआ था ब्रिटेन में, कब हुआ था, तो 1688 ईस्वी में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था 1688 में हुआ था, ठीक है। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। रूसी क्रांति यह हुआ था 1917 में,
रूसी क्रांति या फिर बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? राइट आंसर द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की है। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की है। विश्वकोश किसका है? तो यह दिद्रो का है। नाम पहले आया था, ऑप्शन में था दिद्रो। दिद्रो के पुस्तक का नाम है विश्वकोश। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने बताया रूसो। टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट, पुस्तक किसकी है? जॉन लॉक की है। किसकी है? जॉन लॉक की है। जॉन लॉक की पुस्तक है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत रूसो, थॉमस होब्स और जॉन लॉन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा हार्ड लग रहा होगा क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है, सबको ही को लगता है। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था, 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन सा था? सोवियत संघ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वर्षाय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो यूरोप का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप का। वर्षाय की संधि कब हुई थी? इसे याद रखिएगा, 28 जून 1919 को वर्षाय की संधि हुई थी। और यूएसएसआर का विभाजन कब हुआ था? पूर्व सोवियत संघ, रूस का जो विभाजन हुआ था 1991 में, कब हुआ था? 1991 में। तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो राइट आंसर हो जाएगा चैम्बरलेन, ऑप्शन नंबर बी, चैम्बरलेन। नाजीवाद किसका समर्थक था? राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। नाजीवाद या था कहाँ? तो जर्मनी में। नाजीवाद जर्मनी में था। संस्थापक कौन था? तो हिटलर। लिखूंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को जन्म हुआ था। और मृत्यु हुई थी 30 अप्रैल 1945 को। आत्महत्या कर लिया था, पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में। मेन कैफ का लेखक कौन था? हिटलर। मेरा संघर्ष हिटलर का है। गेस्टापो की स्थापना किसने किया था? हिटलर ने। और यह गुप्तचर पुलिस दल था। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड पर। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1832 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बंगाल के मिदनापुर में। कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे दिया भी गया है 1832। और नेतृत्व किसने किया था ये बताएंगे, तो गंगा नारायण सिंह ने। बंगाल के मिदनापुर में हुआ था 1832 में। नेतृत्व किया था गंगा नारायण सिंह ने। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1784 ईस्वी में। इन्हें जबरा पहाड़ी भी कहा जाता है या फिर इनका जो विद्रोह का केंद्र बिंदु भी रहा तो जबरा पहाड़ी ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कास्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1908। छोटा नागपुर कास्तकारी कानून किस वर्ष 1908 में। सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव यह चार भाई थे। 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह से। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। नेतृत्व किसने किया था जानते होंगे? नेतृत्व किया था बुधो भगत ने। खेरवाड़ विद्रोह की बात की जाए तो यह हुआ था 1874 में। भागीरथी मांझी के नेतृत्व में
ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 में और यह हुआ था जतरा भगत के नेतृत्व में। जतरा भगत के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संथाल विद्रोह मेजर वारो के नेतृत्व में लड़ा गया था, मेजर वारो के नेतृत्व में इसी ने दबाया था। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 342। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? राष्ट्रसंघ जो है यह उपज किसकी है? तो विल्सन के दिमाग की उपज है, विल्सन के दिमाग की उपज है राष्ट्रसंघ, विल्सन की दिमाग की उपज है। राष्ट्रसंघ लाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, वही द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था और इस समय लाया गया, इस युद्ध के बाद लाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? राइट आंसर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का ऑप्शन हो जाएंगे डी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है बताएंगे? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का दिन है। ब्रेटन वुड सम्मेलन में दिया गया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने बताया संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में ही है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल, प्रैक्टिस शीट में हमने बताया भी था, लियोन पेरिस में है। लियोन पेरिस में। जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? इसमें थोड़ा इंडियन हिस्ट्री का भी क्वेश्चन दिया गया है। जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन से, ऑप्शन नंबर सी, जो कि घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है, खूब गेहूं उपजाओ गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, या किसने कहा था बताएंगे? खूब गेहूं उपजाओ गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, या किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन ने गेहूं उपजाओ, सबसे ज़्यादा जो गेहूं होता था यह पेरिज में, पेरिज जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, इसे ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से और क्या क्या प्राप्त हुआ था, जैसे कि जूते हुए खेत, दो फसली कृषि, कांच की चूड़ी, अलंकृत ईंट, भूकंप का प्रमाण और यज्ञ कुंड का साक्ष्य प्राप्त यहाँ से हुआ था। इसकी खोज बीबीलाल और बीके थापर ने किया था। घग्गर नदी को द्विजदती नदी भी कहा जाता है, द्विजदती नदी भी कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यूएनओ का राजपत्रित भाषा कितना है? तो यह है 6। यूएनओ का राजपत्रित भाषा कितना है? तो 6 है। कौन कौन सा है? तो अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज, रूसी, फ्रेंच और स्पेनिश। अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज, रूसी, फ्रेंच और स्पेनिश। वही आधिकारिक भाषा अगर पूछ दिया जाए, आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 2 है। कौन कौन सा? अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आ जाइए। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देशों और व्यापारिक मारों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई? राइट आंसर यूरोप। नई दुनिया का पता कैसे लगा? नई दुनिया का पता कैसे लगा? नई दुनिया कहा जाता है अमेरिका को नाविक अभियानों के द्वारा नई दुनिया का पता चल पाया। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? पवित्र रोमन साम्राज्य या किसे कहा गया? तो यह कहा गया है कैरोलिंगियन साम्राज्य को, कैरोलिंगियन साम्राज्य को। इसका पीडीएफ मैं कुछ समय के लिए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लेंगे। हालांकि ज़्यादा टाइम तक के लिए पीडीएफ नहीं रहने वाला है, मैं फिर डिलीट कर दूंगी। सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था?
सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था, तो खुद राजा ही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो सातवाहनों ने। सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ था, हालांकि सर्वाधिक जो यूज किया था, सर्वाधिक विस्तार जो किया था या किसने किया था, तो गुप्त ने किया था, गुप्तों ने किया था। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था, तो राइट आंसर रोम में। रोम जो है सात पहाड़ी से घिरा हुआ शहर है, इसे इंटरनल सिटी कहा जाता है या फिर शाश्वत शहर कहा जाता है। अंध महासागर किसे कहा जाता है, अंध महासागर किसे कहा जाता है, तो अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर का जो आकृति है एस आकार का है, एस आकार का। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सा है, या फिर गर्त कह लीजिए, सबसे गहरी गर्त है प्यूरो टिको रिको, प्यूरो प्यूरी टोरिको, प्यूरी टोरिको। प्रशांत महासागर का तो जानते ही हैं मेरियाना गर्त, हिंद महासागर का सुंडा गर्त, हिंद महासागर का सुंडा गर्त। छुपा हुआ महासागर किसे कहा जाता है, तो आर्कटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था, आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था, तो राइट आंसर पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इटली से हुई थी, इटली से। इसका अग्रदूत किसे माना जाता है, तो दांते को माना जाता है। यह कौन थे, तो कवि थे, दांते को माना जाता है जो कि कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, कुस्तुंतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी, कुस्तुंतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी, राइट आंसर बीजेंटाइन साम्राज्य की, बीजेंटाइन साम्राज्य की। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था, इटली के फ्लोरेंस शहर में, राइट आंसर ऐसे इटली ही होगा। धर्मयुद्ध का मुख्य कारण क्या था, धर्मयुद्ध का मुख्य कारण क्या था, तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना, तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था, यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था, पुनर्जागरण के प्रसार। निम्नलिखित में किस कारण से भौगोलिक खोजों को प्रशय नहीं दिया, बताएंगे, निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रशय नहीं दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा राजशक्ति की दुर्बलता ने, राजशक्ति की दुर्बलता ने। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि पेरिस घास का मैदान कहाँ है, तो यह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। आगे हमने बताया भी पेरिस घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है। स्टेपिज कहाँ है, तो यह रूस में है। स्टेपिज घास का मैदान कहाँ है, तो रूस में है। पोस्ताज कहाँ है, पोस्ताज घास का मैदान, यह हो जाएगा हंगरी में। स्टेपिज रूस, पोस्ताज हंगरी। पंपास अर्जेंटीना, पंपास कहाँ है, तो अर्जेंटीना में, जो कि कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। वेल्ड घास का मैदान कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में। डाउंस घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। और कैटवरी घास का मैदान कहाँ है, कैटवरी है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। यह सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। आगे बढ़िए, कंपोज घास का मैदान, कंपोज घास का मैदान कहाँ है, तो यह ब्राज़ील में है। कंपोज घास का मैदान ब्राज़ील में। लानोज कहाँ है, तो वेनेजुएला में, वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान है। पटाना कहाँ है, पटाना, तो यह श्रीलंका में है। पटाना घास का मैदान श्रीलंका। सवाना घास का मैदान सहारा, सहारा में है। और पार्कलैंड कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। पार्कलैंड घास का मैदान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। थोड़ा आप लोग को आवाज़ भी जा रहा हो क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है, इसका से मैं वीडियो बना पा रही हूँ। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दूरबीन का आविष्कारक कौन था, दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो। न्यूटन ने गति का नियम दिया, शीतलन का नियम दिया, न्यूटन ने गति का नियम, शीतलन का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम और प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। एस्ट्रोलोग किस प्रकार का यंत्र था, ये भी ध्यान रखिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। गैलीलियो ने और किसका खोज किया था, तो शनि के छल्ले की खोज की थी। शनि के टोटल 11 छल्ले होते हैं, उसकी खोज गैलीलियो ने ही की थी। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। एस्ट्रोलैब किस प्रकार का यंत्र था, तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश बताने वाला। एस्ट्रोलैब किस प्रकार का यंत्र था, अक्षांश बतलाने वाला। टोटल अक्षांश की संख्या कितनी है,
टोटल अक्षांश की संख्या 181 कितनी है, 181। हालांकि यहीं पर पूछ दिया जाए कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो 2 माइनस कर दीजिएगा, कितना 181 में से 2 माइनस करिएगा तो राइट आंसर प्राप्त होगा 179। तो अक्षांश रेखा की संख्या 179 है और अक्षांश की संख्या कितनी है, तो 181 है। वही देशांतर पूछ दिया जाए कि देशांतर की संख्या कितनी है, तो 360 है, कितने हैं 360। ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर के जाल को क्या कहा जाता है, अक्षांश एवं देशांतर के जाल को कहा जाता है ग्रिड मैश। क्या कहा जाता है, ग्रिड मैश कहा जाता है। दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। क्लियर। हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेबल जहाज किन लोगों ने बनाए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने। कोलंबस मूलतः किस देश का था, यह इटली का था। मूलतः पूछा जा रहा है तो इटली, हालांकि यह नागरिक कहाँ का था, तो स्पेन का। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की, 1492 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी। ऐसे यहाँ पे बी और डी दो राइट आंसर होगा, लेकिन एक ही अगर चूज करना हो तो ऑप्शन नंबर बी पे जाइएगा, ठीक है। अमेरिका के ही अंतर्गत वेस्ट इंडीज आता है इस कारण से। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था, पुर्तगाल का। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया, ये सब ऑलरेडी हमने बता चुका, 1498 में, 1498। दूसरी बार 1502 और तीसरी बार 1524, और 1524 में इसकी मृत्यु हो गई, दफनाया गया गोवा में। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर स्वागत किया था जमोरिन। हालांकि सबसे पहले पुर्तगालियों का विरोध भी जमोरिन ने ही किया था। क्यों किया था, तो किलाबंदी करने के कारण। ब्राज़ील की खोज किसने की थी, यह भी पहले हो चुका, कैब्रल ने। ऑप्शन हो जाएंगे डी, क्वेश्चन नंबर 52। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। हालांकि ऑप्शन में है नहीं न्यूजीलैंड, इस कारण से इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूफाउंडलैंड का। जॉन और कैबोट ने किसका पता लगाया, न्यूफाउंडलैंड का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कुछ पॉइंट को और ध्यान रखिएगा, जैसे कि दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर जैसे जैसे मुझे याद आते जा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट जो है सर के द्वारा बताया भी नहीं गया था। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना है, तो 111 किलोमीटर, और दो देशांतर के बीच की दूरी सर्वाधिक जो दूरी होता है, दूरी 111.32 किलोमीटर, और सर्वाधिक दूरी कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा के पास, और न्यूनतम होता है दोनों ध्रुव पर। जमोरिन कहाँ का राजा था, ऑप्शन नंबर सी, कालीकट का। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था, लिस्बन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिस्बन। हालांकि अगर भारत में बात की जाए, तो अकबर ने दास प्रथा को 1562 में बंद किया था, रोक लगाई थी 1562 में, 1563 में तीर्थ कर को समाप्त किया था, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। फिर आगे बढ़ते हैं, 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय में दास प्रथा का प्रतिबंध लाया गया, लॉर्ड एलन ब्रो के काल में 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। सिंध का विलय इसी के समय किया गया था 1843 में ही। रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुई थी 1843 में ही, ठीक है। अगर बात की जाए अमेरिका में, तो 1863 ईस्वी में, कब 1863 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, इन्होंने भी दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सारे के सारे निकल गए। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र लिस्बन था, कौन सा था, लिस्बन। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था, हालांकि यह समाप्त हो चुका है, बंद हो चुका था। यह जो था, यह इटली के फ्लोरेंस में। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था, तो इटली के फ्लोरेंस का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व का यह प्रथम बैंक था, स्थापना किया गया था 1397 में,
1397 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस में। सबसे प्राचीनतम बैंक जो आज भी काम कर रहा है वो हो जाएगा बोका मोटे हेई फास्ट। बोका मोटे हेई फास्ट क्या कहाँ है? तो है इटली के सियना शहर में, इटली के सियना शहर में। और इसकी स्थापना किया गया था 1472 ईस्वी में, जो कि अभी भी कार्यरत है। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? मैक्सिको से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भौगोलिक खोजों का तत्कालीन प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? भौगोलिक खोजों का तत्कालीन प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? औद्योगिक क्रांति पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? तो मैक्सिको। अभी भी चांदी उत्पादन में मैक्सिको का स्थान पहला है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको में ही होता है। चांदी का सबसे बड़ा खान जो है ची हुआ हुआ है। कौन सा है? ची हुआ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 59 नंबर। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारी वर्ग का। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? किस मूल का था? तो इटालवी था। जॉर्ज तृतीय की किस नीति ने उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा? जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा? तो राइट आंसर हो जाएंगे व्यक्तिगत शासन की नीति। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? 1756 से लेकर के 1763 तक चला था और यह समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के तहत। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की। जीत किसका हुआ था? तो ब्रिटेन का। जीत ब्रिटेन का हुआ और हार हुई फ्रांस की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वर्णिवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में, और इसमें भी फ्रांसीसी की ही हार हुई थी। और इसके पहले 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटेन ने डचों को पराजित किया था। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी की घटना। आगे हमने ऑलरेडी बताया भी है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? सबसे पहला नंबर वही था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? जनतंत्रात्मक। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? राइट आंसर हो जाएगा छोटा पीट का, लिटिल पीट का, लिटिल पीट का। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? लिटिल पीट का। क्वेश्चन नंबर 65। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक नारा था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र अपना बिहार, और कौन सा था? तो लिच्छवी गणराज था। आधुनिक काल का प्रथम गणतंत्र अमेरिका ही है। ठीक है। फ्रांसिस समाज कितने वर्गों में विभक्त था? फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तीन। पहला था पादरी, दूसरा था कुलीन और तीसरा था सर्वहारा वर्ग, जिसमें सभी लोग आते थे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सभी वर्ग इसी में आते थे। इस कारण से इसे सर्वहारा वर्ग भी या फिर बुजुर्गवा वर्ग भी कहा जाता था। लुई सोलहवा किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? हालांकि इसे बाद में चल करके गिलोटिन पर चढ़ा करके मार दिया गया था। लुई सोलहवा किस वर्ष गद्दी पर बैठा? 1774 में। कब? 1774 में। 1774 में किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? मेरी इच्छा ही कानून है, यह किसने कहा था? मेरी इच्छा ही कानून है, लुई सोलहवा ने। लुई सोलहवा ने। अगर यहीं पर रहेगा मैं ही राज हूँ, तो लुई चौदहवा। और अगर इकट्ठे दे देगा कि मैं ही राज हूँ, मेरा ही कथन जो है या क्या है कानून है, तो लुई चौदहवा पे ही जाइएगा। लेकिन अगर अलग करके पूछ दिया जाए कि मेरी इच्छा ही कानून है, लुई सोलहवा, और मैं ही राज हूँ, यह कहा था लुई चौदहवा। अगर दोनों को मर्ज करके पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए पे ही जाइएगा, लुई चौदहवा पे ही। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो पार्लमा थी। कौन सी थी? पार्लमा। इसका न्यायालय कहाँ है? इसका न्यायालय पेरिस में था। इसमें टोटल 17 न्यायाधीश थे। टोटल कितने न्यायाधीश? 17, जो कि कुलीन वर्ग के ही लोग होते थे। और इसका पद जो होता था वंशानुगत होता था, वंशानुगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बारिश हो रही है, आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा आवाज़ में, लेकिन कोई नहीं, बस ध्यान से सुना करेगा, लीड लगा लीजिए। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी?
फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रशासनिक विभिन्नता। लेटर दी कैचे क्या था? लेटर दी कैचे क्या था? तो यह राजा का आज्ञा पत्र था। राइट आंसर हो जाएगा राजाज्ञा। राइट किस प्रकार का कर था? तो राइट आंसर हो जाएगा पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। टाइथ किस प्रकार का कर था? तो पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। बुजुर्गवा वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था? बुजुर्गवा या फिर सर्वहारा वर्ग, यह सब तृतीय स्टेट के अंतर्गत आता था। कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट और पादरी जो है प्रथम स्टेट के अंतर्गत। टाइल किस प्रकार का कर था? टाइल यह प्रत्यक्ष कर था। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पादरी राज्य को कर देते थे। पादरी राज्य को कर देते थे नहीं, बुजुर्गवा वर्ग कर नहीं देता था। नहीं, ये तो देते थे, यह गलत है। कर वसूलने का काम राजकीय पदाधिकारी करते थे। नहीं, यह भी गलत है। कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू थे। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? पहले भी हमने बताया, या किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने। 78 नंबर, विश्वकोश का संपादक कौन था? यह भी पहले हो चुका, विश्वकोश का संपादक दिद्रो। वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? वास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। 14 जुलाई 1789, फ्रांसीसी स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को ही मनाया गया और अभी भी मनाया जाता है 14 जुलाई को ही। लुई सोलहवा को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? तो कन्वेंशन ने। जो सर के द्वारा आंसर बताया गया है वही मैं आप लोग को आंसर बता रही हूँ, ठीक है। फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित किया गया? 1793 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, दो क्लब होते थे। एक होते थे जैकोबियन क्लब, यह उग्रवाद से संबंधित थे। और जिंदोविस्त क्लब यह उदारवाद से संबंधित थे। और इन दोनों के बीच में ही जो मन मुटाव हुआ था, इसी के काल को आतंक का काल कहा जाता है। जिस तरह से हमारे भारत में ही उग्रवाद और उदारवादी पार्टी था, जो कि 1907 में विभाजन हुआ था, उसी तरह से फ्रांस में दो क्लब थे। एक थे जैकोबियन क्लब और एक थे जिंदोविस्त क्लब। जैकोबियन क्लब उग्रवाद से संबंधित थे और जिंदोविस्त क्लब उदारवाद से। और इन दोनों के बीच में जो मन मुटाव चलता था या फिर लड़ाई झगड़े चलते थे, उसी को आतंक का काल कहा जाता है। और यह आतंक का काल 1793 से लेकर के 1794 तक चला था। राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। आगे चल करके पता ही है, हमारे जो टीपू सुल्तान हैं भारत के, उन्होंने भी जैकोबियन क्लब में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया 1804, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट रुक जाएंगे। हाँ, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? जानते होंगे, टीपू सुल्तान। जैकोबियन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? निम्न वर्ग से। आतंक के राज की स्थापना किसने की थी? रॉबस्पियर ने। जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में। जर्मन संसद का नाम क्या था? यह क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। जर्मन संसद का नाम क्या था? राइख स्टॉक। और जर्मन का संविधान वाइमर संविधान कहलाता है। और यहीं से आपात उपबंध भी हमारे संविधान में लिए गए हैं। आपात उपबंध वाइमर संविधान और 1935 के इंडियन एक्ट के द्वारा भी लिया गया है। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद उग्र राष्ट्रवाद का तो विरोधी था नहीं, समर्थक था। सैनिकवाद का भी समर्थक था, पूंजीवाद का भी, समाजवाद का यह विरोधी था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नाजीवाद की स्थापना किसने की थी? तो हिटलर ने। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सेवा की स्थापना, गौर करिए क्वेश्चन पर, वन सेवा पूछा जा रहा है।
भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? 1864 ईस्वी में। कब? 1864 में। सरहुल किनका पर्व है? मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई? हड़प्पा की सभ्यता में कपास की खेती सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इसे याद रखिएगा, कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता में ही प्रारंभ हुई थी और बिल्कुल राइट आंसर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे पूछा जाए जय जवान जय किसान, तो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी, और यहीं पे एक नारा और ऐड कर लीजिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो यह दिए थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत का जवा किस पेटी को कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया पेटी। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? आगे हमने बात कर लिया पेरिस का गेहूँ क्षेत्र। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी में। यूरोपियन सभ्यता का पालना यह कहा जाता है यूनान को। इनमें से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? इसमें ब्रिटेन फ्रांस रूस शामिल था, जबकि जर्मनी शामिल नहीं था। यह सब धुरी राष्ट्र में शामिल था। धुरी राष्ट्र की अगर बात की जाए तो जर्मनी, इरिट्रिया, तुर्की, हंगरी, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, यह सब शामिल था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? यह सब 9th-10th से ही दिया गया है, अलग से नहीं दिया गया और सिलेबस के अनुरूप ही क्वेश्चन सेट किया गया है। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएंगे मेजनी, काबूर, गैरिवाल्डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। गैरिवाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो काउंट काबूर को ही कहा जाता है, इटली का बिस्मार्क। और भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। मेजनी ने एक नारा दिया था, समाज में क्रांति लाना है तो नेतृत्व युवाओं के हाथ में होना चाहिए। यह किसने कहा था? तो मेजनी ने कहा था। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। गौर करिएगा, लाल कुर्ती सेना का गठन किया था गैरिवाल्डी ने। लुई सोलहवा को फांसी कब दी गई? फिर वही क्वेश्चन, लुई सोलहवा को फांसी दिया गया था 1793 में। शासक कब बना था? तो 1774 में। गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था 1793 में। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। एक मिनट रुक जाएंगे। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? बताएंगे। 100 क्वेश्चन करवाने में सर को 4 घंटा का टाइम लग गया था। मैं आप लोग का टाइम बहुत सारे बचत कर दी। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो राइट आंसर हो जाएंगे जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति 1789। यह सब हो चुका है, थोड़ा फास्ट निकलेंगे। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। गैरिवाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडॉन का युद्ध लड़ा गया था 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में।
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ तो राइट आंसर सेडोन का युद्ध, जो कि कब हुआ था 1870 में, 1870 में। सेराजोवा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर यहाँ पर सेराजोवा का अगर युद्ध पूछा जाता तो यह हुआ था 1860 ईस्वी में, 1860 में, किसके बीच? जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच, जिसमें जर्मनी की जीत हुई और ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। अभी हमने देखा बिस्मार्क का संबंध किससे है, तो जर्मनी से है, ना कि इटली से है, जबकि मेजनी काउंट काबुर गेरिवाल्डी का संबंध इटली के एकीकरण से है। इटली के एकीकरण में निम्न से किसने योगदान दिया? इटली के एकीकरण अभी हमने बताया मेजनी एवं इमैनुअल गेरिवाल्डी काउंट काबुर, इनमें से सभी हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, और घोषणा किया गया था 1975। 1917 को पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 को पहली रूसी क्रांति, देखिए दो रूसी क्रांति हुआ है, एक हुआ है फरवरी में और दूसरा हुआ है अक्टूबर में, दूसरा अक्टूबर में हुआ है, तो पहले वाले को जाना जाता है फरवरी क्रांति के नाम से और दूसरे वाले को अक्टूबर क्रांति के नाम से। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ पीने का बर्तन नहीं, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश यह कौन सा है? रूस। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को। वही मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स किन्स को कहा जाता है। और पूंजीवादी एडम स्मिथ को कहा जाता है। जे एम किन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का रॉबर्ट ओवन, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हाल ही में कहाँ है चल रहा है? तो अमेरिका में। समाजवादी अर्थव्यवस्था यह रूस में, और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना भारत में। निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। यह जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहलाते हैं, कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहलाते हैं। वही फ्रांसीसी समाजवाद का जनक लुई ब्लॉक को कहा जाता है। फ्रांसीसी समाजवाद का जनक सेंट साइमन को कहा जाता है। रूसी समाजवाद या फिर आदर्शवादी समाजवाद या फिर क्रांतिकारी समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। वही क्रांतिकारी समाजवाद का जनक लेनिन को कहा जाता है। क्रांतिकारी समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। और फेवियन समाजवाद का जनक जॉर्ज वर्नाड शॉ को कहा जाता है। पहले कभी हिस्ट्री पढ़े होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद और फिर मार्क्सवादी समाजवाद के जनक कहलाते हैं। वॉर एंड पीस किसकी रचना है टॉलस्टॉय की। लाल सेना का गठन किसने किया था ट्रॉट्स्की ने। ठीक है, वही लाल कुर्ती सेना पहले हमने बताया था, लाल कुर्ती सेना गैरिवाल्डी, कन्फ्यूजन नहीं होने का, लाल सेना ट्रॉट्स्की। वही लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया? गैरिवाल्डी। यहाँ पे अगर कुर्ती रहता तब हो जाता गैरिवाल्डी, यहाँ पे कुर्ती तो है नहीं। खान बहादुर खान ने 1929-30 में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में इन्होंने भी लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत क्रांति या फिर बर्वे अफगान या फिर बादशाह खान भी कहा जाता है। इन्होंने महात्मा गांधी को मलंग बाबा भी कहा था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी?
जरीना कहाँ की राजकुमारी थी, तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। जरीना जो थी या कहाँ की थी, तो जर्मनी की थी। किस देश की राजकुमारी थी, जर्मनी की। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लेनिन ने। किसने किया था, लेनिन ने किया था। 125 टोटल 170 प्लस क्वेश्चन शायद दिए गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। खूनी रविवार किसे कहा जाता है, खूनी रविवार। खूनी रविवार की अगर बात की जाए तो यह हुआ था 9 जनवरी 1905 को। 9 जनवरी 1905 ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी याद रखिएगा 22 जनवरी 1905 खूनी रविवार। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, पहले बताया कार्ल मार्क्स। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, याद रखिएगा हिंद चीन में चीन नहीं आता है। तो देखिए ऑप्शन में सारे में दिया गया है चीन, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में चीन नहीं है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यह सब हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा, फोन बोई चाऊ, फोन बोई चाऊ। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण जो कि कंबोडिया में है, कंबोडिया का पूरा नाम कंपूचिया है और इसका निर्माण करवाया गया था सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा। यह विष्णु मंदिर से संबंधित है, विष्णु मंदिर से संबंधित है। किस कानून का विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ, जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में। रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 कहाँ, पंजाब के अमृतसर में। इल्बर्ट विवाद कब हुआ था, तो 1883 से में। कब हुआ था, 1883 में। किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के समय में। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पहली बार जनगणना करवाया गया था। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम में बच्चों को छूट दिया गया था। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया लॉर्ड लैंस डाउन के समय में, लॉर्ड लैंस डाउन के समय में। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में आया था लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में आया, और चौथा हो गया, पांचवा आया था 1934 में, और छठा आया था 1944 में। ध्यान रखना चाहे तो सभी को ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 3 फरवरी 1927, 3 फरवरी, एक मिनट, गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को, और भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कहाँ आया था, तो मुंबई में आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यह लाया गया था 1878 में, किसके समय, लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था, याद रखिएगा। चलिए इसे समाप्त किया गया 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ही। इल्बर्ट विल किसके शासनकाल में पारित हुआ, अभी हमने बताया लॉर्ड रिपन 1883। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ऐसे तो 1920 में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, किनके अध्यक्षता में, तो लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में, लेकिन पारित नहीं हो पाया। फिर बाद में चलकर के 1920 में ही नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन जिसके अध्यक्षता विजय राघवाचारी कर रहे थे, इसी अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष अधिवेशन 1920 कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में, अध्यक्षता किसने किया था, लाला लाजपत राय, लेकिन यहाँ पारित नहीं हो पाया था। क्यों नहीं पारित हुआ था, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के विरोध के कारण। हालांकि आगे चल करके यह प्रस्ताव जो है सी आर दास ने ही पेश किया था, और आगे चल करके सी आर दास ही जो है अलग हो गए और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी की। 1916 लखनऊ अधिवेशन, अमिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए। 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। और 1931 कराची अधिवेशन, अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मौलिक अधिकार को इसमें पेश किया गया, और इसी में महात्मा गांधी भाग लेने जा रहे थे, उन्हें काले झंडे दिखाए गए, और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी 1920 में, 1920 में संस्थापक कौन थे, तो एन एम जोशी संस्थापक एन एम जोशी थे। प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष। अगर यहीं पर रहता, उपाध्यक्ष कौन बने थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के उपाध्यक्ष कौन बने, जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा। यहीं पर क्वेश्चन रहा कि महामंत्री कौन बने,
प्रथम महामंत्री कौन बने, तो राइट आंसर हो जाएगा दीवान चमन लाल। यहाँ पे हमने चार क्वेश्चन बताए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920, संस्थापक एन एम जोशी, अध्यक्ष लाल लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, महामंत्री दीवान चमन लाल। 5-6 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं किया था। लाल वाल पाल में से अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ लाल लाजपत राय ने ही कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीति गुरु, आध्यात्मिक गुरु, टॉलस्टॉय थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा अधिवेशन, 1939 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। त्रिपुरी अधिवेशन से त्यागपत्र दिया था। त्रिपुरी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, अभी हमने बताया राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु टॉलस्टॉय थे। कौन थे, टॉलस्टॉय। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था निष्ठुर बर्बादी, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो कपड़े को जलाया जा रहा था, मतलब विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जा रहा था, उसी क्रम में कपड़े को भी जलाया जा रहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। लाल बाल पाल में अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ लाल लाजपत राय ने ही अध्यक्षता किया था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा, 1909 में मार्ले मिंटो सिद्धार्थ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले राज्य सचिव था, मिंटो वायसराय था। दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है, या फिर इसी को दिल्ली समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, यह आया था 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट यहाँ हुई है। चेम्सफोर्ड के समय 1919 का एक्ट आया था और इसमें सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यूरोपियों के भी पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत महिला दलित और श्रमिक को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ठीक है, साइमन कमीशन, इसकी बात हो चुकी है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी तुर्की। ऐसे तो प्रारंभ हुआ था 1919 में ही। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए सर के द्वारा दो क्वेश्चन बताया जाता है। देखिए पूर्ण प्रस्ताव अगर रहेगा तो मद्रास अधिवेशन हो जाएगा। अगर पूर्ण प्रस्ताव का लक्ष्य अगर पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। तो यहाँ पे लक्ष्य करने के लिए सर बोले हैं, इसका जो राइट आंसर होगा 1929 लाहौर अधिवेशन। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1933 कोलकाता अधिवेशन, नलनी सेन गुप्ता। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू। 1933 कलकत्ता अधिवेशन, नलनी सेन गुप्ता। यही तीन महिलाओं के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्षता किया गया था। पहली अगर पूछा जाए कि पहली महिला, तो एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला, सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाए कि दूसरी विदेशी महिला, तो यह हो जाएंगी नलिनी सेन गुप्ता, क्योंकि यह भारतीय नहीं है, विदेशी हैं। 1937 ईस्वी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता, 1937 में बेलगांव में नहीं हुआ था बेलगांव अधिवेशन, 1924 में हुआ था, 1924 से, और जिसकी अध्यक्षता किया थे महात्मा गांधी। 1937 में हुआ था कहाँ, फैजपुर, जो कि कहाँ है, तो महाराष्ट्र, और पहली बार गोवा में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यहाँ पे बेलगांव काट लीजिए, फैजपुर को जोड़ लीजिए। ठीक है, 138 नंबर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आर एस एस का गठन किया गया था 1925 में के वी हेडगेवार के द्वारा। इनका पूरा नाम है केशव बलराम हेडगेवार। स्वराज दल 1 जनवरी 1923, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922, ऑप्शन में है नहीं, 1922 ऐड करिए। रंपा विद्रोह यह आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेतृत्व क्या था, सीताराम राजू। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, 1920 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, M.N. राय। निम्न में से किसने सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है,
किसे सीमांत गांधी आबादशाह खान कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खा को। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? राइट आंसर 1919। महिला श्रमिक और दलित 1935। बाकी सारे को सारे, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यूरोपीय हो, सभी को 1919। महिला श्रमिक और दलित 1935, इसे ध्यान रखिएगा। मुस्लिम 1909। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष से किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी भाग लिए थे, अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती गठन हुआ था 1936 में। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती। उपाध्यक्ष एनजी, उपाध्यक्ष नहीं सचिव, सचिव किसे बनाया गया था? तो एनजी रंगा को, एनजी रंगा को। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और इसका नेतृत्व किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, यह कहाँ हुआ था? तो केरल, केरल में हुआ था, केरल का मलाबार तट। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अली मुसलियार ने, अली मुसलियार। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कब की थी? तो 1828 में, 1828। सती प्रथा 1829। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, एक मिनट क्या हो गया, हाँ, दयानंद सरस्वती ने 1875 में, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनकी पुस्तक का नाम है, पत्रिका का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ की स्थापना कब की थी? बेलूर मठ की स्थापना 1887 में, 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। इनके गुरु का नाम है, विवेकानंद के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। इनको उपाधि किसने दी थी? तो खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? साबरमती के आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना देखिए 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, 1910 ईस्वी में लियो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। इसके पहले ये भी ध्यान रखिएगा, 1893 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1893 में दक्षिण अफ्रीका, और एक वर्ष बाद 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, 1910 में लियो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, 1915 में, कहीं कहीं 1915 भी दिया रहता है, कहीं कहीं 1916 भी दिया रहता है, तो सर के द्वारा जो आंसर बताया गया 1915, ऐसे तो हम लोग 1916 ही जानते हैं, लेकिन साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की गई थी। और सेवाग्राम की स्थापना 1936 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो महाराष्ट्र के वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में। किस नदी के किनारे हैं? तो गोदावरी नदी के किनारे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी असहयोग आंदोलन के समय। जलालबाग हत्याकांड के कारण ही इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी असहयोग आंदोलन के समय। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 इसी कारण से ही 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। जलालबाग हत्याकांड 13 फरवरी 1919, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? भारत में पूछा जा रहा, तो चंपारण 1917 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 चंपारण था। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी का प्रथम जन सत्याग्रह कौन सा था, तो 1919 का रॉलेट एक्ट के खिलाफ है, 6 अप्रैल 1919 से। असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है, जो कि 1920 में प्रारंभ हुआ था, 1 अगस्त 1920। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। खेड़ा विद्रोह कब हुआ था? तो 1918 में ही हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड 15 मार्च 1918 अहमदाबाद, और 22 मार्च 1918 खेड़ा विद्रोह। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड की जाँच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति। किसके अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टरदा। इनका संबंध है चटगांव शस्त्रागार डकैती से। चटगांव शस्त्रागार की लूटपाट कब की थी? 1930 ईस्वी में। हालांकि 1934 में इन्हीं को फांसी दे दिया गया था। हाँ 1934 में। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर। महात्मा गांधी के साथ राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिंह, नरहरि पारेख,
जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद यह सब साथ में थे। हालांकि इसका विरोध किसने किया था? एन जी रंगा ने किसका? चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल के मलबार तक, केरल कह लीजिए, 1921 ईस्वी में नेतृत्व अली मुसलियार ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड योजना। 153 नंबर, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। 34 किलोमीटर चला था बम्बई से थाने के बीच। इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? कपड़ा मिल 1854 में सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया था। किसके द्वारा? कवास जी डावर के द्वारा। पहला जूट मिल की स्थापना किया गया था 1855 में बंगाल के रिसरा में। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ यह पारित किया गया था ब्रिटेन में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1910 भी राइट आंसर हो जाएंगे क्योंकि कार्य प्रारंभ हुए थे 1910 में ही। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 में। भारत में वयस्क मताधिकार का अधिकार इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के द्वारा दिया गया था। IETUC का प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया? अखिल भारतीय, वही पहले आया था, लाला लाजपत राय को 1920 में गठन किया गया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने। समंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा आक्रामक प्रवृत्ति। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है महानगर में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग का। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? तो लंदन के पेंडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच। कब? 10 जनवरी 1863 को। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? यह की थी एबनेजर हॉवर्ड। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। इसमें अधिकार किसने कर लिया था? कुषाण शासक कनिष्क ने। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? ऑप्शन को देख लीजिए, कोयला, कपास और लौह। और लास्ट प्रश्न है, अमेरिका का पता किसने लगाया? आसान प्रश्न, कोलंबस ने। चलिए 170 प्रश्न जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित था, जो कि कंप्लीट हमने करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्योग्राफी को अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। कुछ पॉइंट को आप लोग जैसे नोट कर लीजिए, जैसे कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 18 जून 1815 को। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को, जिसमें नेपोलियन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। और इन्हें सेंट हेलेना के द्वीप पर बंदी बना करके रखा गया, जिस कारण से ही आगे चल करके 1821 में ही इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि 1820 सभी जगह लिखा रहता है, लेकिन सरकार द्वारा 1821 बताया गया, 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और भी याद रखिएगा,
जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट लिटिल कारपुल, नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कारपुल कहा जाता है। फ्रांस में राष्ट्रवाद का संस्थापक कहा जाता है इन्हें, फ्रांस में राष्ट्रवाद के संस्थापक नेपोलियन बोनापार्ट को ही कहा जाता है। राष्ट्रीयता का भंजक इन्हें कहा जाता है। राष्ट्रीयता का संदेश वाहक कहा जाता है। इन्होंने जैसे इनका जन्म जो है 15 अगस्त, कभी कभी जन्म पूछ दिया जा सकता है इसलिए मैं बता दे रही हूँ, 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिको द्वीप की राजधानी आयोसियो में इनका जन्म हुआ था। अठारह सौ पाँच ईस्वी में ट्रफगल के युद्ध में नेपोलियन की जीत हुई थी और अंग्रेज हार गए थे। ट्रफगल की युद्ध कब हुआ था तो 1805 में, जिसमें नेपोलियन की जीत हुई थी, अंग्रेज की हार हुई थी। 1813 में लिपजिंग का युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन का पराजय हुआ था और बंदी बनाकर के एल्वा द्वीप रखा गया। ठीक है, पहली बार इनका हार हुआ था 1813 में लिपजिंग के युद्ध में। फिर आगे चलकर के एल्वा द्वीप से भाग गए थे और फिर आगे चलकर के 18 जून 1815 में नेपोलियन बुरी तरह से हार गया था वाटरलू के युद्ध में। फिर सेंट हेलेना द्वीप पर इन्हें बंदी बना करके रखा गया। फिर 1881 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रथम कर्नाटक युद्ध को भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध, समाप्ति हुआ था एला सापल की संधि के द्वारा। दूसरा अगर पूछा जाए तो दूसरा हुआ था 1749 से लेकर 54 तक। कारण था डुप्ले की महत्वाकांक्षी, समाप्ति हुआ था पांडिचेरी की संधि के द्वारा। 1756 से 1763 के बीच में तृतीय अंग कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है और यही कारण भी था। समाप्ति हुआ था पेरिस की संधि के तहत। क्लियर। नेक्स्ट चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि दीवाने खैरात जो कि दान विभाग था, लाए किसने था तो फिरोज़ शाह तुगलक ने। दीवान ए बंदगान जो कि दास के लिए एक अलग विभाग था, यह भी किसने लाया था, फिरोज़ शाह तुगलक। कहा जाता है कि फिरोज़ शाह तुगलक के दरबार में 180,000 दास रहते थे। ठीक है, दीवान ए इश्तिहाक या पेंशन विभाग था, यह भी लाया गया था फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा। अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया था इल्तुतमिश, हाशम ए क्लब और क्लब ए सुल्तानी कहा जाता है इनके सेना को। लेकिन अस्थाई सेना विभाग की स्थापना किसने किया था तो बलबन ने। अस्थाई सेना विभाग जैसे कि दीवाने अर्ज, इसकी स्थापना बलबन ने किया था। दीवाने अर्ज का पुनर्गठन अगर पूछ दिया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं, दीवाने वकूफ की स्थापना किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी। दीवाने वकूफ जो कि राजस्व विभाग से संबंधित है और इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। वही दीवाने मुस्तखराज अगर पूछ दिया जाए, दीवाने मुस्तखराज और यह भी राजस्व विभाग से संबंधित है और इसकी स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने अमीर कोही जो है यह कृषि से संबंधित है, इसकी स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट को याद रखिएगा, जैसे कि मेगास्थनीज जो है सेल्कस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है इंडिका और इसने मौर्यकालीन समाज का वर्गीकरण 7 वर्गों में किया, जिसमें दास प्रथा का इसने चर्चा नहीं किया था। 7 वर्ग कौन से थे तो दार्शनिक, कृषक, अहीर, शिल्पी, सेना, सभासद और निरीक्षक। ठीक है, यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे कि भारत का छांसे विस्तार मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर बात की जाए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को लाइचिंग पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अगर तक से उनको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।